ओम गजानन भूत गुणादिसेवितम कपितवल्लचारुलक्षणम उमाश्रितम शोक विनाशकारकम वामिनीश्वरः पाद पंकजम। ओम श्री महागणपति भैरव गणपति महाराज नमस्कार। गणपति कालारमति महाराज के लिए आदित्य वस्तु रुद्रादिकम धर्म कामार्ताय नमो नमः। बैठने के लिए ध्रुव आकाश में महाराज एकवर्णम सुभागम लक्ष्मीकांतं कमलने नमः। योगी विद्याज मंदे वंदे विष्णु भैरव सर्वलोकनाथं त्रिलोके स्वामी। आपको बार बार नमस्कार नमस्कार करने महाराज आप फूल चौला जी हाथ में स्वास्थ्य वाचन का लेखन ये ओम स्वास्थ्य नंदारो भीदा सर्वा स्वास्थ्य न पोका विश्व वेदा स्वास्थ्य न नक्षत्रो अरिष्ट नेमि स्वास्थ्य नाम रेश भदिर दधातु। ओम बेवलां बेनिशे बेवला संतु वयम विष्णु राराटमसे विष्णु षण्भद्रेषु विष्णु द्रुमासे भतो देवाता सूर्यो देवाता चंद्रमा देवाता वसु देवाता रुद्रो देवाता बृहस्पति पंच लोकपाल देवताय स्वाहा लक्ष्मीनारायणाय स्वाहा शरण देवादि देवाय स्वाहा स्वाहा। ओम त्रंबकाय स्वाहा। ओम शिष्टाय स्वाहा। नारायण कथा प्रारंभ होता है। शुद्ध महाराज जी आ गए तो शुद्ध महाराज जी आ गए तो जितने भी शिवनी बैठे उन्होंने क्या किया शुद्ध महाराज का स्वाद किया बैठने के लिए आसन दे दिया। जिस तरह आपने कुल पुरोहित को बैठने के लिए आसन दे दिया उसी तरह शुद्ध महाराज को बैठने के लिए आसन दे दिया जी। फिर अपने की कथा वार्ता में लगे आप जितने भी शिवनी बैठे हुए थे उनके मन में प्रश्न पैदा हुआ महाराज आज तक हमने नाना प्रकार की कथाएं सुनी महाराज अब हम ऐसी कथा सुनना चाहते हैं जिससे मनुष्य का कल्याण हो सके और थोड़े से पुण्य से ज्यादा फल मिल जाए तो उसके बारे में हम सुनना चाहते हैं। कोई ऐसा उपाय है तो उसके बारे में हमें समझाइए जी। आप शुद्ध महाराज समझा रहे हैं मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक समय की बात है नारदुनि कहता है भजन भगवान विष्णु लोक को चले गए और विष्णु लोक को चले गए तो वहां पर क्या देखा श्वेत वर्ण चारों वाले शंखो दान किए हुए चक्र दान किए हुए पद्मालाओं दे भगवान विष्णु के दर्शन किए बोल विष्णु भगवान महाराज की जाओ। अब नारदुनि ने क्या किया भगवान विष्णु को नमस्कार किया और भगवान विष्णु से प्रार्थना की महाराज मैं चल लोगों का भ्रमण करना चाहता हूँ तो मुझे चल लोगों का भ्रमण करने की आज्ञा दी। तो नारदुनि ने क्या किया भगवान विष्णु से क्या ली और चल लोगों का भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। किस तरह निकले भजवन नारायण नारदुनि के लोगों में आए कुछ दिन नहीं आया तो फिर वापिस विष्णु लोग आ गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना की महाराज मैं तेरा लोगों में आया हूँ कुछ दिन नहीं आया अब मैं चौदहवें लोगों में जाना चाहता हूँ। चौदहवें लोग कौन है हमारा कोई तन से दुखी देगा कोई मन से दुखी देगा कोई अपनी काय से दुखी देगा कोई रोग व्याधि से दुखी देगा कहीं पर दुख देगा कहीं पर सुख देगा। तो नारद रोते भगवान विष्णु से प्रार्थना करते महाराज दुखे स्वामी दुखे आत्मा कौन है भगवान विष्णु इन सबके दुखों को दूर करते हैं। तो नारद रोते भगवान विष्णु लोग को चले गए किसके लिए अपनी लिए नहीं दूसरे की भलाई करने से नारद भगवान विष्णु लोग को चले गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना की महाराज मैं बाद लोक में गया तो वहां क्या देखा नाना प्रकार ने देखी महाराज 84 लाख ने देखी महाराज पर महाराज उनका दुख सुराट होगा उसके बारे में बुधराई जी श्री भगवान जी बोले कि पुत्र आपने जो संसार की ऊपर कृपा करने की इच्छा श्रेष्ठ बात पूछी है जिस उपाय करने से प्राणी मोह से मुक्त होकर कल्याण पुण्य दान करने वाला सो लोक में परम दुख प्राप्त है तुम्हारे स्नेह से सुमृत का तव शिष्य तनान व्रत को जब निभान के और विधि पूर्वक बनने से प्राणी श्री सुख होकर लोक में मोक्ष प्राप्त भगवान के ऐसे वचन को सुनकर नारद जी बोले भगवान जी इस व्रत का क्या फल है और क्या विधि है हे विष व्रत को क्षण किया है कौन दिन करना जब भी मन में श्रद्धा जब सत्र मिल जाए जब अच्छा समय आ जाए
उसी वक्त भगवान कथा वार्ता रास्ते है नवे केले का फल दूध चूर्ण लेकर सब व्रत करना चाहिए और संपूर्ण प्रसाद बुद्धि वापसी कर भगवान को बोलना चाहिए और श्री ध्यान करते अपने स्थान को चले जाए। इस तरह भूमि अपनी हेल्प उपाय बोल शक्त नाने की जाओ हो जाएंगे सुंदरपुर काशी नगर देव नारायण भगवान विष्णु पाय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओमी जी साहब जी अच्छा ताइया ताइया टी डी जो कुछ देना साहब जी है मद पौधी